हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू द लीडर सीरीज ऑफ जी स्टार एजुकेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हमारा नया टॉपिक जो कि है ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऊजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ अ फीमेल हैप्लोइड गैमेट सेल इज कॉल्ड द ऊजेनेसिस। फीमेल गैमेटोस है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट कौन सा होता है? एग सेल या ओवा सेल या ओवम, ठीक है, कौन सा होता है? एग बोल लीजिए, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ओवा ओवम एक ही बात है, ठीक है, इनमें से कुछ भी वर्ड यूज किया जा सकता है, ठीक। तो हमने जो स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में ये पढ़ा था कि ये स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे, लेकिन ऊजेनेसिस जो है बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है, बिफोर द बर्थ यानी कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान ही स्टार्ट हो जाती है, अराउंड गेस्टेशन पीरियड के सेकेंड मंथ के बाद ही जो है ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बच्ची के पैदा होने से पहले ही ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, जब वो बच्ची सिर्फ और सिर्फ माँ के पेट में 2 महीने की होती है, ठीक है। तो और ये जो प्रोसेस है ऊजेनेसिस, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे बताते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। फर्स्ट स्टार्ट्स एट द एम्ब्रायनिक स्टेज, ठीक है, अबाउट द 2 मंथ ऑफ गेस्टेशन, 2 to 3 मंथ ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। स्टॉप एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ होना होता है यानी कि गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है 9 मंथ के बाद, ये उस टाइम पर ये स्टॉप हो जाती है, एंड स्टार्ट अगेन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जब जो गर्ल है वो 11 से 13 साल के बीच में दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी स्टेज पर आती है, तब से दोबारा से ये प्रोसेस ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोला गया है। इसको हम मेनली 3 फेसेस में डिवाइड करते हैं, 3 फेसेस। कौन कौन से 3 फेसेस हैं बच्चा? सबसे पहले है वही हमारे मल्टीप्लीकेशन फेसेस जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, मल्टीप्लीकेशन फेस। दूसरा है ग्रोथ फेस, और तीसरा है मैच्योरेशन फेस, ठीक है। इनमें से मल्टीप्लीकेशन फेस और ग्रोथ फेस जो है वो मेनली कहां कब होते हैं? बर्थ से पहले, बिफोर द बर्थ। और मैच्योरेशन फेस कब स्टार्ट होता है? जो कि स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज पर स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है। तो मैच्योरेशन फेस एंड ग्रोथ फेस मेनली बिफोर बर्थ, ठीक है। ग्रोथ फेस थोड़ा थोड़ा बर्थ से प्यूबर्टी तक चलता रहता है थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो मैच्योरेशन एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, चलिए कैसे होता है अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज की। मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर क्या होता है ध्यान दीजिएगा बेटा। स्टार्टिंग में
स्टार्टिंग में जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करके अपने नंबर को इंक्रीज करती है मिलियंस में, और वो जो फॉर्म होती हैं सेल्स उन्हें हम बोलते हैं ओगोनिया सेल्स एंड एग मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करती है और क्या बनाती है, ऊगोनिया, या फिर हम इसको बोलते हैं एग मदर सेल। ठीक है बेटा, ऊगोनिया या एग मदर सेल। माइटोटिकली डिवीजन है तो पोलाइडी चेंज नहीं होती, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो है वो 2n होते हैं तो ऊगोनिया भी 2n होते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ, अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, बर्थ के बाद कोई भी ऊगोनिया, नया ऊगोनिया सेल जो है फॉर्म नहीं होता, जितने भी बनने होते हैं मिलियंस में वो पहले ही बन चुके होते हैं, जन्म से पहले, बच्ची के जन्म से पहले से ही ऊगोनिया तैयार होते हैं। नो फर्दर ऊगोनिया फॉर्म आफ्टर बर्थ, नो फर्दर ऊगोनिया फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बर्थ के बाद कोई भी ऊगोनिया फॉर्म नहीं होता। तो ऊगोनिया अब माइटोटिक डिवीजन करके बिफोर बर्थ ही ऊगोनिया क्या करके, माइटोटिक डिवीजन करके क्या बना देता है, प्राइमरी ऊसाइट। यहां पर गलती मत करिएगा बेटा, प्राइमरी फोलिकल वर्ड भी आता है और प्राइमरी ऊसाइट भी, प्राइमरी ऊसाइट और फोलिकल में अंतर है वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, ऊगोनिया जो है वो क्या फॉर्म कर देंगे, प्राइमरी ऊसाइट फॉर्म करेंगे, कब, माइटोटिक डिवीजन करने के बाद। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, समझ में आ गया है। हाँ, अब जो है प्राइमरी ऊसाइट क्या करते हैं, मियोसिस वन स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट, बट गेट टेम्पररली अरेस्टेड इन प्रोफेस वन। प्राइमरी ऊसाइट ने मियोसिस वन स्टार्ट कर दी थी बेटा, लेकिन आपको पता है मियोसिस वन के अंदर प्रोफेस वन के अंदर पांच फेसेस होते हैं। ठीक है, वो पांच फेसेस में से डाइकाइनेसिस जो फेस है उस फेस में जाकर के रुक जाती है, उस फेस में जाकर के रुक जाती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा फेस है, आपके 11th क्लास में दे रखा है डाइकाइनेसिस। ठीक है, डाइकाइनेसिस फेस के अंदर जाकर के रुक जाती है प्रोफेस वन में, और यहां पर क्या बनाती है, फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, और कब तक रहती है, टिल दी प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी, ठीक है, प्राइमरी ऊसाइट ने स्टार्ट तो कर दी थी मियोसिस वन, लेकिन कहां रुक गई, बीच में रुक गई, डाइकाइनेसिस फेस के ऊपर। ठीक है, अब यहां पर प्राइमरी ऊसाइट का क्या होता है, ग्रोथ होती है। ठीक है, प्राइमरी ऊसाइट्स जो है फर्दर वो डेवलप होती है हमारी हुँ।
प्राइमरी ओसाइट की फर्दर डेवलपमेंट कैसे होती है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गेट सराउंडेड बाय बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, ए लेयर ऑफ ए, ठीक है। प्राइमरी ओसाइट जो है, प्राइमरी ओसाइट बोल रहा हूं बेटा, उसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर बन जाती है, और अब इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं प्राइमरी फोलिकल। क्या बोलते हैं, अब ध्यान रखना है, तो यहां पर इस तरह से नोट्स में लिख लीजिएगा, प्राइमरी ओसाइट्स प्लस में सिंगल लेयर, ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स इज इक्वल टू प्राइमरी फॉलिकल। याद होने का सबसे सही तरीका है, अब याद हो जाएगा प्राइमरी ओसाइट और प्राइमरी फॉलिकल में अंतर क्या है। प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट के साथ ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर होती है, ठीक है, ग्रोथ फेस में यही होता है, और इसके बाद यहां पर ओवरीज के अंदर मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं बिफोर दी बर्थ। अभी तक बर्थ नहीं हुआ है, बच्ची मां के पेट में ही है, वूम में, यूट्रस में ही है, तब तक ये काम हो जाता है, ग्रोथ फेस तब तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ग्रोथ फेस वैसे हम ये मानते हैं कि आफ्टर द बर्थ भी चलता है टिल द प्यूबर्टी, उसमें थोड़ा थोड़ा साइज इंक्रीज होता रहता है, लेकिन वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट फेस, मैच्यूरेशन फेस, ठीक है। ग्रोथ फेस में एक दो बातें और लिखनी है आपने, ठीक है। ग्रोथ फेस में क्या होता है, आफ्टर बर्थ जो मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल थे ओवरी में, वो धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आफ्टर बर्थ द प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डीजनरेटिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर एट्रेसिया, इस प्रोसेस को फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं, जो बर्थ के बाद जो प्राइमरी फॉलिकल्स बने थे मिलियंस ऑफ, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, ईच ओवरी हैज ओनली 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स टिल प्यूबर्टी। ओवरीज के अंदर केवल, प्रत्येक ओवरी के अंदर 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल रह जाते हैं जब तक कि जो गर्ल है वो प्यूबर्टी एज तक पहुंचती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। चले आगे अब मैच्यूरेशन फेस के ऊपर। हाँ, मैच्यूरेशन फेस में क्या होता है, थर्ड फेस, ये मेन है, अब ध्यान रखना है, अब ध्यान देना है, मैच्योरेशन फेस में क्या होता है। मैच्योरेशन फेस तक आते आते
प्राइमरी फोलिकल के अंदर जो प्राइमरी ओसाइट था वो धीरे धीरे एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा एनलार्ज होता रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ प्राइमरी फोलिकल जो है वो सेकेंडरी फोलिकल में बदल जाता है। कैसे बदलता है, उसमें क्या क्या चीजें और जुड़ती हैं, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी फोलिकल प्लस में फ्यू लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, प्राइमरी फोलिकल में, ठीक है, प्राइमरी फोलिकल में सिर्फ ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर थी, लेकिन इसके ऊपर मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। जब प्राइमरी फोलिकल के ऊपर बहुत सारी लेयर आ जाए ग्रेनुलोसा सेल्स की, और साथ में ए थीका लेयर इस इज इक्वल टू, अब इसको हम बोल देते हैं बेटा सेकेंडरी फोलिकल। ये चीज समझ में आ गई है। मैच्यूरेशन फेज कब स्टार्ट होता है, हमने पहले ही कर लिया था, प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है, ठीक है। प्राइमरी फोलिकल के अंदर सिर्फ एक लेयर थी ग्रेनुलोसा सेल्स की, यहां पर इसके ऊपर कुछ लेयर्स और आ जाती है, ठीक है। इसको बना करके देख लेते हैं। देखिए प्राइमरी ओसाइट को मैंने रेड कलर का बनाया है, प्राइमरी ओसाइट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये एक लेयर थी ग्रेनुलोसा सेल्स की। इस स्ट्रक्चर को अब हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फोलिकल। इसके ऊपर मान लो मैं ये दो थे, ये देखिए ये ग्रेनुलोसा सेल्स और आ गई है, तो और साथ ही साथ थीका सेल्स को मैं ग्रीन कलर में दिखा देते हैं। अब जब ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी तो क्या बनेगा, ये सारी चीजें जब ऐड हो जाएगी तो हमारे पास सेकेंडरी फोलिकल बन जाएगा। सेकेंडरी फोलिकल में ये हमारा प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, प्राइमरी ओसाइट के बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स ये एक लेयर थी, इसके ऊपर ये दूसरी लेयर आ गई है, फिर तीसरी लेयर आ गई है, कुछ लेयर्स आ जाती है, फ्यू लेयर्स, ठीक है। और साथ ही साथ ये थीका की एक लेयर आना जो है ये कहलाएगा अब हमारा सेकेंडरी फोलिकल। सेकेंडरी फोलिकल के अंदर अगर मैं बात करूं, सेकेंडरी फोलिकल से क्या डेवलप होगा आगे, सेकेंडरी फोलिकल से आगे डेवलप होगा हमारा टर्शरी फोलिकल। तो ये इसी के साथ का है, तो इसको इस तरह से अपने नोट्स में लिखते रहिएगा ताकि इजिली आपको समझ में आए, मार्किंग कर लीजिएगा। ये ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये थीका लेयर है, ठीक है। ये बीच में रेड कलर में जो है वो प्राइमरी ओसाइट है बेटा। अब सेकेंडरी फोलिकल प्लस में क्या होता है, सेकेंडरी फोलिकल टर्शरी फोलिकल में कैसे बदलता है, ठीक है। एंट्रम प्लस में टू लेयर्स ऑफ थीका, इज इक्वल टू टर्शरी फोलिकल। सेकेंडरी बना लेते हैं,
धीरे धीरे जो ये हमारा प्राइमरी ओसाइट था उसका साइज इंक्रीज हो गया है, ठीक है। साइज इंक्रीज के साथ साथ ये हमारा ठीक है, ये सेल्स थी ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है, थ्री लेयर्स आप समझ जाएंगे, और इसके ऊपर क्या थी हमारी थीका लेयर थी, ठीक है। अब एंट्रम एक कैविटी है जो कि करैक्टरिस्टिक फीचर है टर्शरी फोलिकल का, ठीक है। इसके बारे में लिख हम बना करके समझा सकते हैं अभी टर्शरी फोलिकल की स्ट्रक्चर में, तो यहां पर इसका पॉइंट लिख लीजिए, करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्शरी फोलिकल, टर्शरी फोलिकल, ठीक है। और दो लेयर ऑफ थीका कैसे डिवाइड होती है, थीका लेयर डिवाइड्स इनटू थीका लेयर डिवाइड्स इनटू टू लेयर। जो ये थीका लेयर थी ये अपने आप को डिवाइड कर लेगी दो लेयर में, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं टर्शरी फोलिकल की स्ट्रक्चर। ये हमने क्या बनाया, प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट के ऊपर क्या था बेटा, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर थी, ठीक है। ये जो लेयर है, अब इन लेयर्स के बीच में क्या आ गया है, एक स्पेस आ गया है। ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये ही स्पेस जो है एंट्रम है, फ्लूइड फील्ड कैविटी, जो कि टर्शरी का एक करैक्टर है। इसके ऊपर एक लेयर और बना देते हैं। ये जो स्पेस बीच में आया था, ठीक है, ये स्पेस, इसको मैं किस कलर से दिखाया जाए, अगर आपको चलिए इस कलर से देखते हैं सही आएगा या नहीं, ये ब्लू कलर से जो आपको दिखाया जा रहा है ये ही एंट्रम है। ये फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर बीच में ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर्स के बीच में, और ये ही टर्शरी किसका है? वो है टर्शरी फोलिकल की करैक्टरिस्टिक फीचर है। और अब देखिएगा इसके ऊपर दो लेयर थीका की, एक और दूसरी, ये दो लेयर, बाहर वाली को थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली को थीका इंटरना, लिख लीजिए ताकि आपको फिर डाउट ना रहे, ठीक है। मैं इनको मार्किंग कर देता हूं, प्राइमरी ऊसाइट ग्रैनुलोसा लेयर, एंट्रम थीका एक्सटर्ना, बाहर वाली थीका इंटरना, ठीक है, समझ में आ गई है। ये टर्शरी फोलिकल बन गया है बेटा। अब ध्यान रखना है टर्शरी फोलिकल के बाद क्या होगा, टर्शरी फोलिकल के बाद क्या होगा, चलिए नेक्स्ट पेज पर समझाते हैं। टर्शरी फोलिकल जो है वो आगे जाकर के क्या करेगा बेटा, आगे जाकर के जो इसके अंदर प्राइमरी ऊसाइट्स था वो डेव, अब मियोसिस वन कंप्लीट होगी। जो मियोसिस वन स्टार्ट हुई थी बर्थ से पहले, अब जाकर के वो कंप्लीट होगी, ठीक है। उसी पेज पर चलते हैं, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं यहीं पर। देखिए
ये हमारा टर्शरी फोलिकल था, ठीक है। टर्शरी फोलिकल्स के अंदर से अब हमारी जो है मियोसिस वन कंप्लीट होगी, ठीक है। देखिएगा, मियोसिस वन कंप्लीट होगी, ठीक है। और इसके अंदर अब क्या है, जो प्राइमरी ऊसाइट था वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। हमें पता है मियोसिस वन में एक ये रहा और अनइक्वल, इसके बारे में लिख लीजिए, मियोसिस वन जो है वो अनइक्वल है, अनइक्वल, ठीक है। और उससे क्या फॉर्म होगा, एक बड़ा और एक छोटा सा टाइनी पोलर बॉडी, छोटा सा टाइनर पोलर बॉडी, ठीक है। और इसके बाहर वही से फिर से वही चीजें, ये ग्रेनुलोसा लेयर, ठीक है। इसके बाहर यहां एंट्रम बन जाएगा, एट्रम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और सेल लेयर आ जाएगी, ठीक है। ये लेयर हमारी ग्रेनुलोसा है, ये एट्रम कैविटी थी और इसके ऊपर थीका, एक्सटर्नल थीका इंटरनल, ठीक है। ये बन गई है। अब इसके अंदर ये जो फॉर्म हुआ है बेटा, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट। और अभी तक ये चीज ध्यान रखना, प्राइमरी ऊसाइट जो था वो डिप्लोइड था, 2N था, लेकिन सेकेंडरी मियोसिस वन के बाद आपको पता है मियोसिस वन जो है रिडक्शनल डिवीजन है, जिससे कि जो पोलाइडी है वो रिड्यूस हो जाती है, डिप्लोइड से किस में बदल जाएगी, हैप्लोइड में। ये पॉइंट याद रखना, क्या हो गया है ये, और ये जो बनी है छोटा सा पॉइंट, ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है, फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, थोड़ी देर में डीजनरेट हो जाएगी। फर्स्ट पोलर बॉडी बनने का कारण क्या है, क्या फायदा है, इससे हमारी क्या हो गई है, पोलाइडी चेंज हो गई है। 2N जो था हमारा प्राइमरी ऊसाइट के अंदर, ये जो 2N था, 2N अब किस में चेंज हो गया है, N में और N में अनइक्वल है। सारा का सारा साइटोप्लाज्म कहां आ गया है, सेकेंडरी ऊसाइट के पास आ गया है। और जो सिर्फ क्रोमोसोम, आधे क्रोमोसोम कहां चले गए हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी के बाद। और फर्स्ट पोलर बॉडी क्या है, कुछ देर बाद डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। ये अब हमारा क्या बन गया है, सेकेंडरी ऊसाइट। समझ में आ गई है, समझ में आ गई है। अब ये टर्शरी फोलिकल जो है, ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी ऊसाइट कहां बनती है, टर्शरी फोलिकल के अंदर। टर्शरी फोलिकल जो है वो डेवलप होकर के क्या बनाएगा, आगे जाकर के डेवलप होकर के क्या बनाएगा, ग्राफियन फोलिकल, ठीक है। डेवलप्स इन इन ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन फोलिकल में थोड़ा सा साइज और इंक्रीज हो जाएगा, एट्रम जो कैविटी है ये कैविटी, ठीक है। और ग्राफियन फोलिकल के बाद जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो रिलीज आउट हो जाएगा। ग्राफियन फोलिकल क्या करता है, ग्राफियन फोलिकल रिलीज दी सेक, ओके हाँ, एक चीज और, ग्राफियन फोलिकल के अंदर जाकर के प्राइम सेकेंडरी ऊसाइट के ऊपर एक लेयर और बनेगी, ठीक है। इसको बना ही लेते हैं, सेकेंड ग्राफियन फोलिकल को बना ही लेते हैं, ठीक है।
नहीं, ग्राफियन फोलिकल के बाद अब देखिएगा ये डेवलप और कैसे होता है। हमारा ये सेकेंडरी ओसाइट था, इसके ऊपर ये छोटी सी पोलर बॉडी, बनाए रखो तो बना लो, नहीं तो कोई डीजनरेट हो चुकी होती है ये, ठीक है। ये हमारी ग्रैनुलोसा लेयर, ठीक है। ग्रैनुलोसा लेयर के ऊपर अब एक लेयर जो है वो कौन से कलर में बनाई जाए, ऑरेंज कलर, हाँ, ये लेयर बन जाती है बेटा, और ये लेयर होती है जोना पेलुसीडिया, ये याद रखिएगा। कौन सी लेयर होती है, जोना पेलुसीडिया, और इसके ऊपर फिर से वही हमारी जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, ये ग्रैनुलोसा लेयर्स की लेयर है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके ऊपर वही थीका, इंटरनल थीका एक्सटर्नल, ठीक है। मैं इसको अनइक्वल को यहां से हटा रहा हूं थोड़ा सा इसके ऊपर, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, थीका इंटरना जो है वो क्या रिलीज करती है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है थीका इंटरना, अंदर वाली थीका इंटरना रिलीज सिक्रीट्स दी एस्ट्रोजन, ठीक है। हार्मोन लिख लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये, आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब हम करेंगे तब काम करेगा। थीका इंटरना सिक्रीट्स दी एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन आई थिंक दिख रहा है, हाँ साफ है, चलिए समझ में आ गई ये बात, हाँ जी समझ में आ गई। थीका इंटरना कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है, एस्ट्रोजन। ये अब हमारा क्या बन गया है, ग्राफियन फोलिकल के अंदर मैच्योर ग्राफियन फोलिकल और जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कि जोना पेलुसीडिया, इसको मार्किंग कर देते हैं, लेबलिंग कर लो। ये जो कलर में दिखाई गई है जोना पेलुसीडिया, ठीक है। अब ये ग्राफियन फोलिकल ओवुलेशन प्रोसेस होगी, इसमें क्या होगा अब ओवुलेशन, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ओवुलेशन, ओवुलेशन से क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट्स, ठीक है, जिसको हम इस ये वाली जो स्ट्रक्चर है अंदर की, ये हमारी कहां आ जाएगी, बाहर निकल करके आ जाएगी, ठीक है। प्लस में अगर मैं बात करूं लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा एंड जोना पेलुसीडिया, ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी और अंदर का खाली एरिया क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटिकम बोलते हैं बेटा। ये ग्राफियन फोलिकल रप्चर हो जाएगा, इसकी दीवारें टूट जाएंगी और दीवार टूटने से ये जो जोना पेलुसीडिया के नीचे वाला सारा पोर्शन है ये बाहर निकल जाएगा। इसको नाम दे देते हैं अभी हम सेकेंडरी ओसाइट बोल देते हैं एक बार के लिए, या ओवा बोल देते हैं, एक्चुअली में वो ओवा नहीं होता, ठीक है, ओवा, ठीक है। प्लस में कॉर्पस ल्यूटिकम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटिकम जो है वो कहां पर रह जाता है, कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ ओवरी में वहीं पर रह जाता है, और ओवा जो है वो फिम्ब्रिया जो है उसको कैप्चर कर कहां ले आती है, ओविडक्ट में ले आती है, ठीक है। ये प्रोसेस रहती है ओजेनेसिस की। एक्चुअली में
ओवा कब बनता है, मियोसिस वन कंप्लीट हुई है अभी तक, मियोसिस टू कंप्लीट नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट ओवा जो है, जो हमारे ओवरी से रिलीज आउट होता है, वो एग्जैक्टली होता क्या है, सेकेंडरी ओसाइट होता है, ठीक है, लेकिन ओवा बोल दिया जाता है, एग बोल दिया जाता है, ठीक है। और मियोसिस टू कब कंप्लीट होती है, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, जब स्पर्म आकर के जोना पेनिसिलिया के साथ फ्यूजन करता है या टच करता है, तब उसके बाद जो सेकेंडरी ओसाइट है वो मियोसिस टू करेगी और वहां पर जाकर के वो क्या आगे जाकर के एग्जैक्ट ओवा बनता है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी यही कहती है तो हमें एक बार यहीं पर पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस में हम दिया भी गया है कि स्पेसिफिकली ओवा जो है मियोसिस टू कब कंप्लीट होगी फर्टिलाइजेशन के दौरान, ठीक है। अभी यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अरे कोई टॉपिक रह तो नहीं गया हमारा, नहीं, चलिए।